मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथम फंक्शन पढ़ा रहे हैं, एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 5.5 पढ़ा रहे हैं, और उसमें 4 नंबर तक हम क्वेश्चन बता दिए थे, और 5 नंबर क्वेश्चन से क्या है, थोड़ा देखिए आप लोग समझिए। 5 नंबर क्वेश्चन जो है, लेट y इक्वल टू x प्लस 3 का स्क्वायर x प्लस 4 का क्यूब और x प्लस 5 to the power क्या है, 4 है। हम मैं क्या कर रहा हूं, टेकिंग log both sides we get, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या ले लेंगे, log ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा, log y इक्वल टू log x प्लस 3 का स्क्वायर x प्लस 4 का क्यूब x प्लस 5 के पावर 4 है। log y इक्वल टू क्या हो जाएगा, log a इंटू बी इंटू सी, log a इंटू बी इंटू सी क्या होता है, log a प्लस log b प्लस log c। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस log x प्लस 4 का क्यूब प्लस log x प्लस 5 to the power 4। log y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 log x प्लस 3 प्लस 3 log x प्लस 4 प्लस 4 log x प्लस 5। अब क्या करते हैं, डिफरेंशिएट यहां फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लेते हैं, लॉग लेते हैं, उसके बाद लॉग का प्रॉपर्टी लगा देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। 2018 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, डी log y अपॉन डी वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 2 log x प्लस 3 अपॉन डी एक्स प्लस 3 इंटू डी एक्स प्लस 3 अपॉन डी एक्स प्लस 3 d log x प्लस 4 अपॉन डी एक्स प्लस 4 इंटू डी एक्स प्लस 4 अपॉन क्या, डी एक्स। अब कौन सा टर्म बचाइए, प्लस 4 d log x प्लस 5 अपॉन डी एक्स प्लस 5 इंटू डी एक्स प्लस 5 अपॉन में क्या, डी एक्स। ये चेन रूल लगा दिए, लॉग वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, वो 1 y y इंटू डी वाई बाय डी एक्स, लॉग एक्स प्लस 2 log एक्स प्लस 3 का डिफरेंशिएशन 1 upon x plus 3 और एक्स का 1 3 का 0 प्लस 3 log x प्लस 4 का 1 upon x plus 4 x का कितना 1 4 का कितना 0 प्लस 4 इंटू 1 upon log x प्लस 5 1 upon x plus 5 x का 1 5 का कितना 0 क्या आ गया, 1 by y dy by dx इक्वल टू 2
टू अपॉन एक्स प्लस थ्री प्लस थ्री अपॉन एक्स प्लस फोर अपॉन एक्स प्लस फाइव। अब क्या करना है, अब इधर ये y क्या y इधर डिवाइड में है, उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो डी वाई बाय डी एक्स क्या हो जाएगा बुआ, y टू अपॉन एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स प्लस फोर अपॉन एक्स प्लस फाइव। y का वैल्यू कितना है, एक्स डी वाई बाय डी एक्स एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस फोर क्यूब इंटू एक्स प्लस फाइव पावर फोर इन टू अपॉन एक्स प्लस थ्री थ्री अपॉन एक्स प्लस फोर फोर अपॉन एक्स प्लस फाइव। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि किसी तरह का कोई दिक्कत, वैसे दिक्कत तो होगा नहीं, बाय द वे कोई दिक्कत होगा तो पूछिएगा, हम बताएंगे। ठीक है, पांच नंबर हो गया। छह नंबर क्वेश्चन है, सिक्स नंबर क्वेश्चन है, लेट वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन बाय एक्स टू दी पावर एक्स प्लस एक्स टू दी पावर वन बाय एक्स। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं बुआ वाई बराबर यू प्लस भी से। यू इक्वल टू कितना है, यू इक्वल टू कितना है, एक्स प्लस वन बाय एक्स टू दी पावर एक्स। फिर क्या कर लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स वी गेट क्या हो जाएगा, लॉग यू इक्वल टू लॉग एक्स प्लस वन बाय एक्स टू दी पावर एक्स। लॉग यू इक्वल टू जो पावर में रहता है वो लॉगिथिन में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई में आ जाता है, एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस वन बाय एक्स। फिर क्या, डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, log u d log u upon du into du by dx equal to u into v। क्या हो जाएगा, u into v log x plus 1 by x into dx by dx plus x d log x plus 1 by x upon dx plus 1 by x into
dx plus 1 by x upon dx. log u का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 by u du by dx इक्वल टू log x plus 1 by x dx by dx 1 होता है, फिर x log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 by x, तो x के बदला क्या है x plus 1 by x, तो x plus 1 by x, x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 by x का डिफरेंशिएशन 1 by x square. 1 by x का डिफरेंशिएशन क्या होता है minus 1 by x square. तो du by dx equal to u क्या है इधर डिवाइड में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो क्या हो गया log x plus 1 by x प्लस x अपॉन, देखो बोरे ये इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, x इंटू 1 का एलसीएम कितना x square प्लस 1, फिर क्या है इसका और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा x square इसका क्या हो जाएगा x square माइनस 1, ठीक है. अब u का वैल्यू कितना है x प्लस 1 by x टू द पावर x log x प्लस 1 by x प्लस ये क्या हो जाएगा बढ़ते का बढ़ता है ऊपर चला जाएगा x square upon x square plus 1 into x square minus 1 upon x square कैंसिल. du by dx क्या हो जाएगा x प्लस 1 by x टू दी पावर x log x plus 1 by x x square minus 1 upon x square plus 1, ये क्या हो गया du by dx, ठीक है. अब क्या करना है v को निकाल लेना है. ये सब बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, 5 नंबर में पूछे जाते हैं, जब भी पूछे जाते हैं तो, और पूछे ही जाते हैं, ऐसा नहीं है जो नहीं पूछते हैं चैप्टर से. v equal to क्या है x to the power 1 plus 1 by x, फिर क्या taking log both sides we get log v equal to log x to the power 1 by x. The log v equal to 1 plus 1 by x into log x. फिर क्या करेंगे, differentiate both sides with respect to x. क्या हो जाएगा बुआ, d log v upon dv into dv by dx. क्या हो गया u into v log x d 1 plus 1 by x upon dx plus 1 plus 1 by x into d log x by dx.
लॉग वी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, लॉग वी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, वन बाय वी डी वी बाय डी एक्स। फिर क्या लॉग एक्स वो अरे वन का डिफरेंशिएशन जीरो और वन बाय एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना वन बाय एक्स। तो वन बाय भी डी वी बाय डी एक्स इसको क्या लिख सकते हैं माइनस लॉग एक्स अपॉन क्या एक्स स्क्वायर प्लस एलसीएम कितना आ जाएगा एक्स प्लस वन बाय एक्स इंटू वन बाय एक्स वन बाय भी डी वी बाय डी एक्स दैट मीन्स एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस लॉग एक्स प्लस वन अपॉन में क्या एक्स स्क्वायर। तो डी वी बाय डी एक्स कितना आ गया डी वी बाई डी एक्स दैट मीन्स वी डिवाइड में है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो माइनस लॉग एक्स प्लस वन अपॉन क्या एक्स स्क्वायर। वी का वैल्यू क्या है वी का वैल्यू क्या है एक्स टू दी पावर वन प्लस वन बाय एक्स माइनस लॉग एक्स प्लस एक्स प्लस वन अपॉन क्या एक्स स्क्वायर। अब क्या है वाई बराबर क्या है यहां पर वाई बराबर क्या है यू प्लस वी डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स डी वाई बाय डी एक्स क्या आ जाएगा डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू हम कितना निकाल के बैठे हुए हैं एक्स प्लस वन बाय एक्स टू डी पावर एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस वन बाय एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन क्या एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस डी वी बाय डी एक्स डी वी बाय डी एक्स एक्स टू दी पावर वन प्लस वन बाय एक्स माइनस लॉग एक्स प्लस वन अपॉन में क्या एक्स स्क्वायर। ये क्या हो गया आंसर हो गया। देख रहे हो क्वेश्चन कितना बड़ा बड़ा है और जब भी पूछे जाएंगे तो पांच नंबर में ही पूछे जाएंगे। सेवन नंबर क्वेश्चन चलते हैं। इसी तरह का कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो इजीली। सेवन नंबर क्वेश्चन है लेट वाई इक्वल टू लॉग एक्स टू दी पावर एक्स प्लस एक्स टू दी पावर लॉग एक्स। फिर इसको वाई इक्वल टू यू प्लस वी मान लिए। ठीक है किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए कोई दिक्कत नहीं है। u dy by dx क्या हो जाएगा du by dx plus dv by dx u equal to क्या है u equal to क्या है log x
टू दी पावर एक्स टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा लॉग यू बराबर लॉग लॉग एक्स टू दी पावर एक्स, तो क्या लिख सकते हैं बुआरे लॉग यू इक्वल टू पावर जो रहता है वो कहाँ आ जाता है मल्टीप्लाई में एक्स इंटू लॉग लॉग एक्स। अब क्या करेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या हो जाएगा डी लॉग यू अपॉन में कितना डी लॉग यू अपॉन दैट मीन्स कितना नीचे डी यू इंटू डी यू बाय डी एक्स। अब क्या है u इंटू v, क्या है u इंटू v लॉग 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 x इंटू डी एक्स बाय डी एक्स प्लस डी डी यू बाय डी एक्स प्लस u x डी लॉग log x upon d log x into d log x upon में क्या dx। log u का differentiation कितना होता है 1 by u du by dx। log log x log log x dx by dx 1 होता है प्लस x log log x 1 by log x, log x का डिफरेंशिएशन 1 by x this और this टर्म क्या हो जाएगा कैंसिल ठीक है तो du by dx क्या आ जाएगा u u क्या है उधर डिवाइड में है तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में तो log log x प्लस 1 बाय लॉग एक्स। यू का वैल्यू क्या है लॉग एक्स टू दी पावर एक्स लॉग लॉग एक्स प्लस 1 बाय लॉग एक्स, ये क्या हो गया डी यू बाय डी एक्स निकाल लिया। अब क्या करेंगे डी वी बाय डी एक्स निकाल लेंगे तो वी बराबर क्या है x टू दी पावर log x taking log both sides we get क्या हो जाएगा log भी equal to log x टू दी पावर log x, तो log भी इक्वल टू क्या log x इंटू log x, तो दैट मीन्स log भी बराबर log x का क्या हो गया होल स्क्वायर। और फिर क्या वही पुराना काम डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x d log b d log b upon db into db by dx। अब क्या हो जाएगा d log x का होल स्क्वायर upon d log x into d log x upon dx। log b का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा यहां से 1 by b db by dx log x का 2 log x और log x that means 1 by x तो db by dx कितना आ जाएगा v 2 log x अपॉन में कितना x, v का वैल्यू क्या है x टू दी पावर log x x टू दी पावर log x इंटू टू लॉग एक्स अपॉन एक्स।
y इक्वल टू क्या है u प्लस v, तो dy by dx क्या हो जाएगा du by dx प्लस dv by dx, तो du by dx कितना निकाल दिया this log x to the power x log log x प्लस 1 by log x dv by dx ये को काम लिख सकते हैं, बेस सेम है तो डिवाइड में पावर क्या होता है घटता है, तो क्या लिख सकते हैं इसको x टू दी पावर log x माइनस 1 इंटू 2 log x, ये क्या हो गया हम लोगों का आंसर हो गया। ठीक है, 7 नंबर तक हो गया। 8 नंबर सेम क्वेश्चन है, 8 नंबर ऐसे ही क्वेश्चन है, बना लीजिएगा। 9 नंबर हम चल रहे हैं, 9 नंबर हम बता रहे हैं, 8 नंबर भी सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है ना, भाई अगर दिक्कत होगा तो पूछिएगा। एट नंबर आप लोग ट्राई कीजिए, 9 नंबर हम बता रहे हैं। ठीक है ना, नाइन नंबर क्वेश्चन क्या है, लेट वाई इक्वल टू एक्स टू दी पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स टू दी पावर क्या है कॉस एक्स है, क्या है कॉस एक्स है, फिर वही पुराना काम वाई इक्वल टू यू प्लस वी। ठीक है, यू इक्वल टू कितना एक्स टू दी पावर साइन एक्स, फिर क्या टेकिंग लॉग बोथ साइड्स we get log u equal to log x to the power sin x, log u equal to sin x into log x, differentiate both sides with respect to x, d log u upon du into du by dx equal to kya u into v log x d sin x upon dx plus sin x into d log x upon dx, log u that means 1 by u du by dx, log x sin x का differentiation cos x sin x और log x का डिफरेंशिएशन 1 by x du by dx, u क्या है इधर डिवाइड में है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में log x cos x sin x by x, u का वैल्यू कितना है x टू दी पावर du by dx x to the power sin x into log x
cos x plus sin x upon x. V क्या है? V V V पर तू मान लिए sin x टू द पावर क्या है cos x. फिर क्या वही पुराना काम taking log both sides we get log v equal to log sin x to the power cos x. log v equal to cos x into जो पावर में रहता है कहाँ आ जाता है मल्टीप्लाई में आ जाता है तो cos x into log sin x. अब क्या करेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x. डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x. क्या हो जाएगा बुआ d log v अपॉन d v इंटू d v बाय dx log sin x d cos x by dx plus cos x d log sin x upon d sin x into d sin x upon dx. log v का डिफरेंशिएशन 1 by v dv by dx cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x log साइन x cos x log साइन x 1 upon साइन x into cos x dv by dx dv by dx dv by dx equal to v. ये भी क्या है इधर भी क्या है बुआ डिवाइड में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में तो माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स कॉस अपॉन साइन कॉट एक्स इंटू साइन एक्स. भी का वैल्यू क्या है साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स साइन एक्स टू द पावर cos x minus sin x log sin x plus cot x into sin x. ये क्या हो गया हम लोगों का आंसर हो गया. ठीक है अब कौन सा क्वेश्चन है बुआ 10 नंबर. कौन सा है 10 नंबर. नाइन नंबर तक हो गया. हम अब कौन सा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं 10 नंबर क्वेश्चन. वो अब बड़ा बड़ा क्वेश्चन है. बड़ा बड़ा क्वेश्चन कहाँ तक मिलेगा इसमें 11 नंबर तक मिलेगा और एक वो कौन सा है 14 नंबर क्वेश्चन है और फिर उसके बाद एज इट इज है. 10 नंबर क्वेश्चन है लेट y इक्वल टू x टू द पावर x cos x प्लस x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1. फिर वही काम y इक्वल टू u प्लस v से u इक्वल टू x टू द पावर x cos x टेकिंग log both sides log u equal to log x to the power x cos x. Then log u बराबर x cos x जो पावर में वो कहाँ आ जाएगा
जो पावर में है वो कहाँ आता है, मल्टीप्लाई में इनटू लॉग एक्स। अब थोड़ा ध्यान दो, यू वी डब्ल्यू क्या गो फंक्शन हो गया, तीन गो फंक्शन, प्रोडक्ट रूल क्या गो का चलेगा, तीन गो का चलेगा। फिर क्या डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या हो गया डी लॉग यू अपॉन डी यू इंटू डी यू वाई डी एक्स यू वी डब्ल्यू, लॉग एक्स कॉस एक्स log x dx by dx plus x क्या होता है vw du by dx, फिर क्या u w dv by dx। तीन गो में दो गो को कंस्टेंट मानते हैं, एगो का डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर क्या u भी इंटू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। वन बाई यू डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स लॉग एक्स डी एक्स बाई डी एक्स वन होता है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो पहले ही माइनस लगा देते तो एक्स लॉग एक्स साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या वन बाय एक्स, तो एक्स एक्स कैंसल, तो डी यू बाय डी एक्स क्या हो जाएगा यू कॉस एक्स log x माइनस x log x साइन x प्लस cos x। u का वैल्यू कितना है, x टू दी पावर du by dx कितना आ गया भाई साहब, x टू दी पावर x cos x cos x log x cos x log x माइनस x log x sin x x log x sin x प्लस cos x, ये क्या हो गया du by dx। अब देखो dv by dx जो निकालेंगे, v बराबर क्या है x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1। आप चाहो तो लॉग ले भी सकते हो और बिना लॉग लिए हुए भी बना सकते हो, क्योंकि इसमें पावर ऊपर नहीं है, तो पावर नहीं है तो क्यों लॉग ले, लॉग लेंगे तो और कॉम्प्लिकेटेड बड़ा हो जाएगा, उससे अच्छा है सिंपल इसको डीवी बाई डी एक्स निकाल देते हैं। तो डीवी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डीवी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, वी एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 1 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 1 का डिफरेंशिएशन 0 अपॉन कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो डीवी बाई डी एक्स क्या आ गया, डीवी बाई डी एक्स क्या आ गया, 2x क्यूब माइनस 2x माइनस 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब और क्या माइनस 2x अपॉन में क्या x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2x क्यूब और प्लस 2x क्यूब कैंसिल, तो dv बाय dx क्या आ गया माइनस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर वाई इक्वल टू क्या है बोआ यू प्लस बी, तो डी यू वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई
dx. अब क्या करना, यहाँ पर ये वैल्यू रख देना du by dx plus dv by dx, जो आएगा वो आंसर हो गया। ठीक है, हम लोगों का 10 नंबर हो गया। अब कौन सा है, 11 नंबर क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है 5 नंबर में। थोड़ा अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। अलेवन नंबर क्वेश्चन है, लेट y इक्वल टू x cos x टू दी पावर x प्लस x sin x टू दी पावर 1/x। y इक्वल टू यू प्लस वी से यू इक्वल टू एक्स कॉस एक्स टू दी पावर क्या है x, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। ठीक है, log u इक्वल टू log x cos x पावर x, log u पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो x log x cos x, तो log u equal to x log a into b, log a plus b, तो log x plus log cos x, that means log u equal to x log x plus x log cos x, differentiate both side with respect to x, differentiate both sides with respect to x, with respect to x, differentiate both sides with respect to x, differentiate both sides with respect to x, d log u upon du into du by dx। अब क्या है, u into v, log x dx by dx plus x d log x by dx, कुछ नहीं किया है, इसको क्या किया है, x log x को u into v पर डायरेक्ट किया है, फिर क्या, इसको भी क्या, u into v log cos x dx by dx plus x d log cos x upon d cos x into d cos x upon में क्या dx। अब क्वेश्चन बड़ा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्वेश्चन तो बड़ा है, ठीक है ना, log u का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 1/u, लेकिन इससे बड़ा क्वेश्चन कोई नहीं है, पूरे डिफ्रेंसिएशन में 1/u du by dx log x dx by dx, 1 होता है x log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस log cos x और क्या dx by dx 1 प्लस x log cos x 1/cos x और cos x का डिफरेंशिएशन -sin x।
ठीक है। अब क्या du by dx equal to u log x x x cancel plus one x log cos x, इसका क्या log cos plus log cos x वो आ रहे साइन अपॉन कॉस टेन होता है प्लस माइनस माइनस एक्स टेन एक्स। यू का वैल्यू क्या है एक्स कॉस एक्स एक्स कॉस एक्स टू डी पावर एक्स लॉग एक्स प्लस वन लॉग कॉस एक्स माइनस एक्स टेन एक्स। ठीक है ठीक है। अब क्या है v इक्वल टू एक्स साइन एक्स टू डी पावर क्या है वन बाय एक्स टेकिंग लॉग बोथ साइड्स लॉग भी इक्वल टू लॉग एक्स साइन एक्स टू डी पावर वन बाय एक्स लॉग भी जो पावर में है वो क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में log x into sin x log v 1 by x log a into b log x plus log sin x। क्या लिख सकते हैं इसको log x by वन बाय एक्स इंटू लॉग एक्स वन बाय एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस वन बाय एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। अब क्या करें डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लॉग वी का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा डी लॉग वी अपॉन डी वी इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स और वन बाय एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स log x का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा 1 by x। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं इसको u into v पर तो फिर हम क्या करेंगे इसको u into v पर प्लस log sin x 1 by x का डिफ्रेंसिएशन प्लस log sin x 1 by x का डिफ्रेंसिएशन माइनस 1 by x स्क्वायर प्लस 1 by x log sin x का डिफरेंशिएशन क्या 1 by sin x और sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x तो 1 by b dv by dx इक्वल टू माइनस log x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस माइनस log sin x अपॉन x स्क्वायर प्लस cot x cos by sin cot x अपॉन x। ठीक है अब क्या dv by dx इधर क्या है v क्या है डिवाइड में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में दैट मीन्स माइनस लॉग एक्स
upon x square plus 1 y x square minus log sine x upon x square plus cot x upon x v का वैल्यू क्या है x x sine x पावर 1 by x माइनस log x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 by x स्क्वायर माइनस log sin x अपॉन x स्क्वायर प्लस cot x अपॉन x। ये क्या हो गया हम लोगों का dv by dx। अब y बराबर क्या है, y बराबर क्या है u प्लस v है। dy by dx क्या हो जाएगा, du by dx प्लस dv by dx। मैं यदि आपको जूम ऐप पर यदि ये पढ़ाता कि एक दिन में दो क्वेश्चन से मैं ज्यादा नहीं बता पाता, ठीक है ना, और फिर क्या होता उसमें नेटवर्क का प्रॉब्लम होता, ये होता वो होता, उससे अच्छा हम यूट्यूब पर डाल देते हैं, समझिएगा। दिक्कत होगा तो शाम में फोन कीजिए, पूछिए। और फिर अब जो क्वेश्चन सब है वो छोटा छोटा क्वेश्चन सब है, तो कल से फिर हम क्या करेंगे जूम ऐप पर जैसे हम सीआरटी पढ़ा रहे हैं वैसे पढ़ाते रह जाएंगे, लास्ट तक समाप्त कर देंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।